दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर, बादल एजुकेशनल गुरु पर। दोस्तों, जैसा कि आपको आज विदित होगा कि आपकी आज 18 तारीख हो गई और आज से आपकी जो है काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। आज इवनिंग 5 बजे, इवनिंग में 5 बजे से जो है आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी 5 बजे से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली कि आपको जो सेकेंड राउंड करवाना है तो उसमें क्या क्या गलती नहीं करनी है आपको, और कौन कौन स्टूडेंट काउंसलिंग में जो है सेकेंड राउंड है वो करवा सकते हो। तो इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे दोस्तों सेकेंड राउंड से रिलेटेड। और दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको जानकारी मिले किसी भी चीज़ से रिलेटेड, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, GNM। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों जो काउंसलिंग है वो किस किस स्टूडेंट को करवानी है, कौन कौन स्टूडेंट करवा सकते हैं। देखो दोस्तों, पहली बात इसमें इस बार ही निकाला ये रूल कि जो स्टूडेंट जिन्होंने पहला राउंड में काउंसलिंग नहीं करवाई थी वो भी काउंसलिंग करवा सकते हैं सेकेंड राउंड में। पहली बात तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत से स्टूडेंट नहीं करवाते हैं काउंसलिंग, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो काउंसलिंग करवा सकते हैं। जिन स्टूडेंटों ने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था बिल्कुल भी, वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है ना, सेकेंड राउंड करवा सकते हैं। दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं, यहाँ पर जिन स्टूडेंटों ने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग करवाई थी और उनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला था तो वो भी सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सेकंड राउंड में वो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये आपकी दो बात हो चुकी हैं। फर्स्ट बात है कि जो स्टूडेंट बिल्कुल भी काउंसलिंग नहीं करवाई थी फर्स्ट राउंड की वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था लेकिन उनको कोई कॉलेज नहीं मिला था तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो कौन कौन सी दो बातें हैं, कौन कौन स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अब नहीं कर सकता, देखो मैं बता दूं कौन कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। एक स्टूडेंट तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था, उनके बावजूद फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था लेकिन उनको कॉलेज मिल गया था। सपोज करो किसी ने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवाई और उनको कॉलेज मिल गया कोटा में प्राइवेट कॉलेज मिल गया, तो उन्होंने कोटा का कॉलेज नहीं लिया, ठीक है ना, कोटा में कॉलेज मिल गया तो कोटा में उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करवाई तो वो स्टूडेंट बिल्कुल एलिजिबल नहीं रहेंगे, वो स्टूडेंट नहीं करवा सकते काउंसलिंग, ठीक है ना, वो स्टूडेंट काउंसलिंग नहीं करवा सकते। पहली बात, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुई थी वो कॉलेज नहीं ली थी, वो कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करवाई थी, वो एडमिशन नहीं ले सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और जो फर्स्ट राउंड में जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था उनको जो सेकंड राउंड में जो पार्टिसिपेट करेंगे उनको 500 रुपये की 550 रुपये का वो चालान है वो कटेगा। और आपको काउंसलिंग में विशेष का ध्यान देने योग्य बात ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेकंड राउंड में बहुत स्टूडेंट प्रॉब्लम हो जाती है खड़ी। सेकेंड राउंड में ये प्रॉब्लम होती है कि कॉलेज दूसरी भर देते हैं, अदर कॉलेज मिल जाती है उनको, जिसके अलावा जो पहली कॉलेज मिली है वो अच्छी है लेकिन उसके अलावा एक गई भी थी कॉलेज मिल जाए तो अच्छा नहीं होगा। जैसे कि सपोज़ करो आपको अब मिला है कोई सा कॉलेज मिला है जयपुर में, समझ लो आप जयपुर में किसी को स्टार कॉलेज मिल गया, अब स्टार कॉलेज जयपुर में ठीक है प्राइवेट कॉलेजों में अच्छा कॉलेज है, स्टार कॉलेज मिल गया किसी को, BLM कॉलेज मिल गया किसी को, RR कॉलेज मिल गया जयपुर में ही। अब क्या होता है यहाँ पर, ये कॉलेज ठीक हैं, अब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं तो सेकेंड राउंड में वो स्टूडेंट क्या करते हैं काफ़ी कॉलेज फिल कर देते हैं। आपको मैं बता दूं वही कॉलेज फिल करनी है जिनको पहले कॉलेज मिल गया है उनको, और जिनको नहीं मिला है वो तो काफ़ी कॉलेज फिल करना है क्योंकि जब भी कॉलेज मिलेगा आपको, लेकिन जिन स्टूडेंटों को कॉलेज मिल गया उनको क्या करना है वही कॉलेज फिल करने हैं जो आप लेना चाहते हो। सपोज करो आपको स्टार कॉलेज मिल गया था, ठीक है ना, स्टार कॉलेज मिल गया, अब आप इससे संतुष्ट नहीं हो तो आपको कौन सी कॉलेज लेनी है, BLM कॉलेज लेनी है, BLM कॉलेज जयपुर में है, या आपको लेनी है धनवंतरी, सपोज करो धनवंतरी लेनी है या किसी और कॉलेज लेनी है, तो आपको जो कॉलेज लेनी है उन्हीं कॉलेजों को आपको फिल करना है। ऐसी गलती ना करनी है कि आपको कोई दूसरी कॉलेज भर दो फिर वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपको अगर कोई कॉलेज मिलती है सेकंड राउंड में जो भी कॉलेज मिलेगी तो आपको उस कॉलेज में जाना ही होगा 100%। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको जो ही कॉलेज फिल करनी है जो आपको चाहिए बस। और जिनको कॉलेज नहीं मिली है फर्स्ट राउंड में उनको तो काफ़ी कॉलेजें फिल करनी है, लेकिन जिनको कॉलेज मिल गई है जैसे प्राइवेट मिल गई तो फिर भी वो कॉलेज चेंज करना चाहते हो तो वही कॉलेज भरें जो आपको लेनी है, ठीक है ना, ये गलती नहीं दोहरानी है क्योंकि इसमें दो ही राउंड होते हैं, तीसरा कोई राउंड नहीं होता है, तीसरे राउंड का कोई चांस नहीं रहता है, BSc नर्सिंग में 3 राउंड नहीं होते हैं, तो इसीलिए हम बार बार बता रहे हैं आपको कि ये गलती ना करें। विशेषकर काफ़ी स्टूडेंटों कमेंट आ रहे थे कि सर एक वीडियो और बना, तो बार बार हम आपको बता रहे हैं कि ये गलती कोई भी स्टूडेंट ना करे जो हमने बता दिया। और जो भी सारा प्रोसीजर होगा जैसे कि हम आपको बता
बता देंगे वीडियो के माध्यम से, लाइव आके बता देंगे आपको काउंसलिंग किस प्रकार करनी है, कौन कौन सी कॉलेज कैसे कैसे भरनी है, और INCC कौन कौन सी कॉलेज इंप्रूवर्ड है, कौन कौन सी कॉलेज नहीं है। तो जो भी प्रॉब्लम होगी आप हमें कमेंट कर सकते हो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आप, हम वहाँ रिप्लाई दे देंगे आपको। तो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। और आज अगर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना, 5 बजे से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, आपके साथ हमें डोंट वरी रहो। आप कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें बताओ, और आज आपको काउंसलिंग नहीं करवानी है, काउंसलिंग थोड़ा वेट करो आप। आज ऐसे मत करना कि आज काउंसलिंग स्टार्ट हो गई तो आज ही आप काउंसलिंग करवा दो हड़बड़ा के। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं हड़बड़ा जाते हैं, पता नहीं क्यों, 5 बजे काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो 6 बजे काउंसलिंग करा देंगे वो स्टूडेंट, फिर 6 बजे क्या होगा, फिर गलत काउंसलिंग हो जाएगी। तो इसलिए आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, और आपकी जो काउंसलिंग है वो 1 से 1.5 दिन में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 1.5 दिन का टाइम छोड़ दो आप, सपोज करो आज स्टार्ट हो गई तो आज मत कराओ, कल मत कराओ, परसों करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार आपको कॉलेज में काउंसलिंग करवानी है, ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जो भी प्रॉब्लम हो उसकी भी कमेंट करें। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।